इधर आजादी की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा कर रहे हैं और प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए। दरअसल भोपाल के टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल में सीएम की क्लास बच्चों के साथ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री ने बच्चों की क्लास ली और उन्हें तिरंगे के इतिहास के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स को झंडा फहराने की सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी। सीएम ने स्टूडेंट्स से संवाद करते हुए कई रोचक सवाल भी किए। पाठशाला में शिक्षक बने सीएम से बच्चों ने क्या कुछ सीखा, सुनाते हैं आपको। हमारा दुर्भाग्य था कि आपस की फूट के कारण हमें गुलाम होना पड़ा और हाथ में तराजू लेके आए थे, बाद में धीरे धीरे फूट डालो और राज करो कि रणनीति उन्होंने अपनाई और धीरे धीरे एक के बाद एक राज्य अपने अधिकार में लेते रहे। और कहते हुए तकलीफ होती है, अपनी कमजोरियों के कारण हम परतंत्र हो गए, हम गुलाम हो गए। राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, जबलपुर मंडला के आसपास कुंवर चैन सिंह, राणा बट्टावर सिंह, टंट्या मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, बादल भोई, राजा विभूत सिंह, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी जिन्होंने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। तो आजादी की इस लड़ाई में भारत का ध्वज होना चाहिए, झंडा होना चाहिए, यह विचार बार बार आता था और हमारे झंडे का स्वरूप बनता चला जाता था। और यह हमारा आज प्राणों से प्यारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मॉडल स्कूल पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ देर पहले छात्रों से संवाद किया है और जो एनसीसी के छात्र हैं उनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। किस तरीके से एनसीसी में वो क्या सीखते हैं, किस तरीके से स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था है, उसको लेकर उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने बच्चों को तिरंगे के इतिहास के बारे में बताया कि किस तरीके से तिरंगा भारत में आज़ादी का प्रतीक बनकर कब अस्तित्व में आया, उसका जो रंग है और जो तीलियां हैं उनका क्या महत्व है, साथ ही किस तरीके से देश की आज़ादी के लिए देश में आंदोलन हुआ, क्रांतिकारियों ने शहादत दी, शहीद दिए और कई क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बच्चों को संबोधित भी किया और किस तरीके से ये भी बताया कि वही स्कूल है जहां पर उन्होंने बचपन में शिक्षा हासिल की थी और इसी मंच से एक बार पहली बार राजनीति में जब आए थे तो छात्र संघ का चुनाव जीते थे और आज मुख्यमंत्री होने के बाद बच्चों से संवाद भी कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश। आज मुख्यमंत्री ने आप लोगों को एक पाठ पढ़ाया आज़ादी का, तिरंगे का, क्या सीख आपको मिली? सर, आपको ऐसा लगता है कि ये हर साल हम करना चाहिए, ये पहले से अभियान आना चाहिए था इसका, मतलब मुझे लगता है कि हर साल आना चाहिए। सर, इस समय बहुत कुछ लगता है कि देश के प्रति अपना सर्जक, देश के प्रति भावना अंदर आती है, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एक अलग ही फीलिंग आती है। सर, बच्चे उनसे बात, आज मुख्यमंत्री ने आपको एक तो आज़ादी की कहानी बताई किस तरीके से लड़ाई लड़ी और साथ ही कई सवाल हैं जो मुख्यमंत्री ने आपसे किए और जानकारी दी, तिरंगे की जानकारी दी हमें, हमारे फ्लैग में कितने रूल्स होते हैं, क्या होता है उसका एडवांटेज बताया कि क्या है और हमें अच्छी बातें बताई कि हमें किस तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए फ्लैग की। अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हर घर तिरंगा लहराने की बात मुख्यमंत्री ने की है, आप लोग भी घर में तिरंगा फहराओ? यस सर, 13 से 15 तक की डेट दी है तो उसमें हमने अपना योगदान दिया अपने घरों में तिरंगा लहराने की। तो बिल्कुल खास तौर से मुख्यमंत्री ने अपील की है और यही कारण है कि बच्चों ने भी उस अपील को स्वीकार किया है कि वो भी हर घर में तिरंगा लगाएंगे और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएंगे। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।